हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टोटल एंटरटेनमेंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तानाजी द अनसन वॉरियर, स्ट्रीट डांसर और मलंग और शिकारा मूवी के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे कि कौन सी मूवी कितना कलेक्शन कर चुकी है इतने दिनों में और कौन बॉक्स ऑफिस पर मार चुकी है बाजी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तानाजी द अनसन वॉरियर के। ये एक हिस्टोरिकल मूवी है। इस मूवी का जो बजट है वो 115 करोड़ है और इंडिया में इसे टोटल 1500 स्क्रीन मिली थी और ओवरसीज मार्केट में 1500, यानी 5000 वर्ल्ड वाइड स्क्रीन पे इसको रिलीज किया गया था। और ये दो भाषाओं में रिलीज की गई है, एक तो हिंदी, दूसरी मराठी है। अगर दोस्तों बात की जाए प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन, भूषण कुमार, और इस मूवी के जो राइटर हैं उनका नाम है प्रकाश कपाड़िया। दोस्तों, इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो टीसरी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी पूरे इंडिया में जो मूवी को फैलाने का काम कर रही है वो टीसरीज कर रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में, तो अजय देवगन के साथ हैं काजल और सैफ अली खान। दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है और ये मूवी अभी भी इसका स्टारडम बना है, अभी भी इसको लोग बहुत ही देख रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ ऑडियंस से बात की है, कुछ लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि मैं ये मूवी 2 से 3 बार देख चुका हूँ क्योंकि ये इतना पसंद आ रही है, ये एक हिस्टोरिकल मूवी है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के दिन, तो पहले दिन जो इसका कलेक्शन था वो 15 करोड़ 16 लाख रुपये का कलेक्शन था, जो कि एक ज़बरदस्त था। अगर बात की जाए वहीं पहले वीक के कलेक्शन के बारे में, तो पहले वीक में ये मूवी 118 करोड़ 91 लाख रुपये कलेक्शन किया था और दूसरे वीक में ये मूवी 78 करोड़ 54 लाख रुपए का। अगर तीसरे वीक की बात करें दोस्तों, तो 40 करोड़ 42 लाख रुपए का कलेक्शन करके ये मूवी एक ज़बरदस्त साबित हो चुकी थी। लेकिन चौथे वीक भी अपना स्टार्टअप बरकरार रखी और ये मूवी ज़बरदस्त कमाई किए जा रही थी। चौथे वीक में ये मूवी 21 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन की है। और अब जानते हैं अपने लास्ट मंथ में इसने कितना कलेक्शन किया। 29वें दिन जो कलेक्शन किया था 1 करोड़ 15 लाख रुपये का। 30वें दिन जो कलेक्शन किया था, यानी एक महीने पूरे हो चुके, 2 करोड़ 76 लाख रुपए का कलेक्शन करके ये मूवी एक महीने में टोटल 2 करोड़ 63 लाख रुपए कलेक्शन करके ये मूवी ब्लॉकबस्टर में साबित हो चुकी है। और 31वें दिन की अगर बात करें तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी टोटल अब तक जो कलेक्शन कर चुकी है ये मूवी, वो कलेक्शन है 2 करोड़ 66 लाख रुपए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है अजय देवगन के लाइफ के ऊपर, क्योंकि अजय देवगन के लाइफ की ये पहली मूवी जो इतना कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अभी भी ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रीट डांसर 3 के बारे में। इस मूवी को 3D में भी रिलीज किया गया और 2D में भी, और इंडिया में जो इसे स्क्रीन मिली है वो टोटल 3100 मिली है, ओवरसीज मार्केट में 400 स्क्रीन मिली है, यानी वर्ल्ड वाइड 3500 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है। और अगर इसके मूवी के बजट की बात करें, तो ये मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ के आसपास है। अगर दोस्तों बात की जाए इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो रेमो डिसूजा इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट की बात करें, तो वरुण धवन के साथ हैं श्रद्धा कपूर, जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप हो रही है, और सुपर सेक्सी आइटम गर्ल नोरा फतेही और प्रभु देवा। दोस्तों, अगर बात की जाए मूवी के पहले दिन कलेक्शन के बारे में, तो पहले दिन जो इसका कलेक्शन था वो काफ़ी ज़बरदस्त था, 10 करोड़ 24 लाख रुपए। दूसरे दिन कलेक्शन 13 करोड़ 21 लाख रुपए। तीसरे दिन कलेक्शन 70 करोड़ 76 लाख रुपए। और चौथे दिन मूवी 4 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही थी। और पांचवें दिन ये 3 करोड़ 88 लाख रुपए, छठवें दिन 3 करोड़ 58 लाख रुपए, और सातवें दिन यानी एक वीक की बात करें तो 3 करोड़ 43 लाख रुपए कलेक्शन करके ये मूवी पहले वीक में अपने 56 करोड़ 77 लाख रुपए का कलेक्शन टोटल कर ली थी। और आठवें दिन की बात करें, यानी दूसरे वीक में बात करें, तो 2 करोड़ 1 लाख रुपये का कलेक्शन की थी। नौवें दिन 3 करोड़ 40 लाख रुपये, और दसवें दिन 3 करोड़ 91 लाख रुपये, और ग्यारहवें दिन 1 करोड़ 52 लाख रुपये, 12वें दिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए, 13वें दिन 1 करोड़ 25 लाख रुपए, 14वें दिन 1 करोड़ 15 लाख रुपए कलेक्शन करके, यानी 2 वीक में ये मूवी टोटल दूसरे वीक में 14 करोड़ 59 लाख रुपए का कलेक्शन की थी। जिस हिसाब से इसका टोटल जो कलेक्शन था 71 करोड़ 36 लाख रुपए का हो गया था। और 15वें दिन में ये मूवी 41 लाख रुपये का कलेक्शन की है, और 16वें दिन 76 लाख रुपये का, और 17वें दिन की बात करें, यानी आज की बात करें दोस्तों, तो ये मूवी 1 करोड़ 3 लाख रुपए का कलेक्शन करके 73 करोड़ 56 लाख रुपए का टोटल कलेक्शन कर पाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी या चलेगी, क्योंकि इस मूवी का अब तीसरा वीक स्टार्ट हो गया है
और 100 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है और 100 करोड़ के क्लब में भी अभी शामिल नहीं हो पाई है। तो आपको क्या लगता है, ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं मलंग मूवी के बारे में। अभी इस वीक यानी 7 फरवरी को ये मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं मोहित सूरी और इस मूवी का जो बजट है दोस्तों वो है 50 करोड़ रुपए और इंडिया में टोटल 2500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है। अगर इस मूवी की बात करें लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में तो आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर और दिशा पटानी हैं और इनके साथ हैं कुणाल खेमू। दोस्तों अगर बात की जाए मूवी के पहले दिन कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी का जो पहले दिन कलेक्शन था वो 6.71 करोड़ रुपए का था और दूसरे दिन जो कलेक्शन था वो 8.89 लाख रुपए का था और ओवरसीज मार्केट में दूसरे दिन मिला था टोटल 4 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर बात की जाए तीसरे यानी संडे के दिन के यानी कल के दिन की बात कर लें तो कल ये मूवी 9.76 लाख रुपए का कलेक्शन की थी। अगर चौथे दिन की बात कर लें तो चौथे दिन यानी आज यानी मंडे के दिन ये मूवी 3.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके टोटल 29.16 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अगर बात की जाए वहीं 4 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से ये मूवी टोटल 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। अगर आप एक सस्पेंस भरी मूवी देखना चाहते हैं और आपको सस्पेंस वाली मूवी पसंद आती है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त और सस्पेंस भरी मूवी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये मूवी अभी कितना कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो इस हिसाब से अच्छा कलेक्शन कर रही है क्योंकि 29 करोड़ अभी हो चुका है इसका जो इंडिया के हिसाब से। तो दोस्तों ये मूवी लगता है कि अपने दूसरे वीक में ही ये आसानी से अपने बजट को कवर कर जाएगी और ये मूवी भी एक सुपर डुपर हिट साबित हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं शिकारा मूवी के बारे में। दोस्तों शिकारा मूवी एक रियल स्टोरी पर बनाई गई है, ये वो स्टोरी है जो कश्मीर में 1999 में पंडितों को वहाँ से भगा दिया गया था। वहाँ के आतंकवादियों ने वहाँ के अलकावादियों ने वहाँ से उन लोगों को भगा दिया था अपने घर से और वो अपने ही देश में अब शरणार्थी बन के रह रहे हैं यानी रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। उस बेस पे ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्टोरी की बात करें तो इसके सिर्फ एक ही हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, इस मूवी को डायरेक्ट भी कर रहे हैं प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और स्टोरी ने उन्होंने खुद ही लिखा है। और अगर बात की जाए इस मूवी के स्क्रीन काउंट के बारे में तो जो टोटल स्क्रीन है वो 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया जा रहा है सिर्फ इंडिया में। और अब बात कर लेते हैं मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में। दोस्तों इस मूवी में जो न्यू एक्टर हैं और वो काफ़ी बेहतरीन काम किए हैं और ऐसा लगता है कि ये कोई पुराने हीरो काम कर रहे हैं इसमें। तो दोस्तों इस मूवी में कोई बड़ा चेहरा ना होने की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है, कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई है। हालांकि कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन लोग इसे देख नहीं रहे हैं। अगर बात की जाए मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट के बारे में तो मूवी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है लेकिन इसमें काम जो कर रहे हैं वो आदिल खान और सादिया हैं। अगर दोस्तों बात की जाए पहले दिन के कलेक्शन के बारे में तो पहले दिन जो इसका कलेक्शन था वो 1.20 करोड़ रुपए था, दूसरे दिन 1.85 लाख रुपए, तीसरे दिन 1.90 लाख रुपए और चौथे दिन यानी आज की बात कर लें तो ये मूवी 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। इस हिसाब से ये मूवी टोटल इंडिया में 5.65 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी और इस मूवी का जो बजट है वो मात्र 25 करोड़ रुपए है और ये 5 करोड़ रुपए कलेक्शन कर चुकी है। तो इस हिसाब से ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी या नहीं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतनी सही घटना होने के बावजूद भी लोग क्यों नहीं देखना जाना चाह रहे हैं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।